लिवासा हॉस्पिटल अमृतसर को कार्डियक ट्रांसप्लांट करने के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है और अस्पताल ने कार्डियक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस मौके पत्रकारों से बातचीत करते हुए आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड किडनी ट्रांसप्लांट। सो बिफोर वी स्टार्ट द प्रेस कॉन्फ्रेंस आई लाइक टू इंट्रोड्यूस टू अवर टीम ऑफ डॉक्टर्स ऑन द डैस। टू माई राइट इज डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव। डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव इज वर्किंग एज सीनियर डायरेक्टर यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट विद लिवासा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। डॉक्टर का बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में और सभी तरह के ट्रांसप्लांट जो कि भी नॉन कम्पेटेबल पेडियाट्रिक एडल्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर बहुत रूटीनली करते हैं। नेक्स्ट टू हिम इज डॉक्टर पारस सानी। डॉक्टर पारस सानी इज वर्किंग एज यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन विद अस एंड ही ऑल्सो हैज ए वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन बोथ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट टू डॉक्टर पारस इज डॉक्टर इमरान हुसैन। डॉक्टर इमरान हुसैन इज वर्किंग एज कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट विद अस एंड ही टेक्स केयर ऑफ द ऑल डायलिसिस यूनिट एंड ऑल द नेफ्रोलॉजी पार्ट ऑफ लिवासा अमृतसर। नेक्स्ट टू डॉक्टर इमरान इज डॉक्टर राधिका गर्ग। डॉक्टर राधिका गर्ग हैज ऑल्सो रिसेंटली जॉइंड अस एंड शी इज ऑल्सो हैविंग ए वास्ट एक्सपीरियंस बोथ इन नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। एंड टू माई एक्सट्रीम राइट इज डॉक्टर अमरप्रीत। डॉक्टर अमरप्रीत इज द यूनिट हेड ऑफ लिवासा हॉस्पिटल अमृतसर। तो डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव डायरेक्टर रीनल ट्रांसप्लांट एंड यूरोलॉजी लिवासा ग्रुप और मेरी टीम में डॉक्टर पारस, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर राधिका। आज हम यहाँ पे बैठे हैं ये शेयर करने के लिए कि हमने इस रीजन में एक पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया है काफ़ी दिनों के बाद और आज उस ट्रांसप्लांट को एक महीने हो गए हैं एंड जो पेशेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। एक सक्सेसफुल जर्नी रही है और एक अच्छी टीम के साथ ही ये पॉसिबल था। आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने मीडिया के थ्रू कि ये किडनी डिजीज़ जो किडनी फेलियर की है वो हमारे आज की डेट में एक एपिडेमिक की तरह बढ़ रही है। तकरीबन 2 से 2.5 लाख पेशेंट्स हर साल ऐड होते हैं किडनी फेलियर वाले हमारी कंट्री में और तकरीबन 10,000 के आसपास ही हम ट्रांसप्लांट कर पाते हैं, तो बहुत बड़ा गैप है। तो हमें इस किडनी ट्रांसप्लांट जैसे सर्जरी जो एक पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग एंड लाइफ चेंजिंग सर्जरी है उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा मैं आपके मीडिया के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि हम एज अ कंट्री जो कैडावेरिक डोनर्स हैं जो या जो मृत्यु के या ब्रेन डेड के बाद जो किडनी डोनेशन होती है उसमें हम बहुत पीछे हैं। अगर डेवलप्ड कंट्री में कहें तो अराउंड 50 to 80 per million डोनेशंस होती हैं और हमारे यहाँ पे 0.7 to 0.8 per million है। तो एक बहुत ही बड़ा गैप है जो आई थिंक जो मेजर प्रॉब्लम उसमें है वो एक सोशल अवेयरनेस के बारे में है और पेशेंट और जो जनरल पॉपुलेशन को है उसको इन डिजीज़ के बारे में और ये किस तरह पेशेंट्स को ख़राब करती है उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आपके थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसकी सोशल अवेयरनेस किडनी डोनेशन की आफ्टर डेथ, हम हज़ारों लाखों किडनियाँ और वाइटल ऑर्गन्स हम वेस्ट कर रहे हैं जो पेशेंट्स की लाइफ बदल सकते हैं। तो मीडिया के थ्रू हम ये कहना चाहेंगे कि एज अ सोसाइटी हमें इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा जिससे कि जो पेशेंट ब्रेन डेड हैं उनके ऑर्गन्स कुछ काम कर रहे हैं और यूज़ हो सकते हैं पेशेंट किसी और पेशेंट के लिए, वो डोनेट करें और एक अपने जो मृत्यु हो चुकी है उसके थ्रू 7 से 8 मरीजों का वो लाभ दे सकते हैं और एक नया जीवन दान दे सकते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपको जरूर देना चाहता हूँ। पंजाब में अभी पिछले 6 महीने में ये लाइसेंसेस हॉस्पिटल्स को देने जाने शुरू कर दिए हैं। हम लिवासा ग्रुप एज अ ग्रुप हमें लाइसेंसेस मिल चुके हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम ये पेशेंट में अवेयरनेस करें लेकिन ये सोशल अवेयरनेस फैलाए बिना ये काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता और हम मीडिया की हेल्प इस चीज़ में ज़रूर चाहेंगे। सर आपके सर्जरी ये कितना सक्सेसफुल होता है? आज की डेट में किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर है।
आई वुड से अबाउट 97-99% ये केसेस सक्सेसफुल रहते हैं। सर आपका एक पेशेंट था, उसकी पहले भी ट्रांसप्लांट हुई थी, फिर आपने की थी, अब वो सक्सेसफुली ठीक है, किड्स भी है उसके, उसके बारे में बताइए। ये हमारा अब 2008 में जब हमने ट्रांसप्लांट शुरू किया था मोहाली सेंटर में अपने, तो ये हमारा पहला ट्रांसप्लांट था जो हमने किया था। वो तब करीब 25-26 साल का, उसकी नई नई शादी हुई थी, यानी डेवलप्ड किडनी फेलियर। पहले कहीं और हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट हुआ था, उसका उसका 6-8 महीने के चलने के बाद किसी वजह से वो ट्रांसप्लांट फेल हो गया। फिर हमने किया था, उसकी मदर डोनर थी इस बार, एंड उसके बाद से समझ लीजिए 2008 से अब तक वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसके बाद उसके 2 बच्चे भी हुए हैं, उसका गारमेंट का बिजनेस है, वो बिजनेस उसने खुद स्टार्ट किया आफ्टर ऑपरेशन, एंड ही इज़ डूइंग परफेक्टली फाइन। बहुत अच्छा है, उसका बिजनेस भी चल रहा है, उसकी फैमिली लाइफ भी चल रही है। मैं डॉक्टर पारस सैनी, यूरोलॉजिस्ट एंड ट्रांसफर सर्जन। आज से 4 साल पहले अमृतसर में मैंने ज्वाइन किया था। तो 4 साल के दौरान जब हमने देखा कि किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और अमृतसर के लोगों को स्पेशली अमृतसर से बाहर जाकर ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहे हैं, और यहाँ तक कोई भी सोर्स नहीं था, किसी भी हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा था, तब से ही हमारे दिल में था कि हम अमृतसर के लोगों के लिए कुछ नया करें। फिर हमने ट्रांसप्लांट के लिए मैनेजमेंट की हेल्प, मैनेजमेंट को अपना ये बताया कि यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, बाहर स्टे रहेगा और रिलेटिव्स वगैरह नहीं रहेंगे तो और दिक्कत बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल ज़्यादा पड़ता है, तो क्यों ना हम लोग अपनी टीम स्टार्ट करें। फिर मैनेजमेंट प्लस डॉक्टर अविनाश के साथ मिलकर फिर हमें डॉक्टर इमरान सर, डॉक्टर राधिका मैम ने ज्वाइन किया, तो हमारी बहुत अच्छी टीम बनी। उस टीम की वजह से हम लोग अपना पहला ट्रांसप्लांट कर पाए, और आपको पहले ट्रांसप्लांट के बारे में बताकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा पहला ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा गया। जशन लड़का बहुत ही अच्छा है एंड बहुत केयरिंग है, एंड उसके साथ अब पर्सनल बॉन्ड बन चुका है। इवन कि उसको कुछ भी काम करना होता है, घर के बाहर भी जाना होता है, तो वो हमें पूछ कर जाता है, तो उसके साथ ऐसा रिलेशन हो चुका है कि वे फैमिली बॉन्डिंग जैसी बन चुकी है। सो ऐसा पर्सनल जो एक्सपीरियंस फर्स्ट ट्रांसप्लांट का वो बहुत अच्छा रहा, और 4 साल लग गए हमें इस काम के लिए। जैसे ही हमारी नई मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया, हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया, बहुत ज़्यादा हमें ट्रांसप्लांट करने के लिए उन्होंने हेल्प आउट की, बेस्ट टीम लाकर दी, और आज उसी मैनेजमेंट, इसी अच्छी टीम के कारण ही हम लोग अपना ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से कर पाए। सर जो लोग ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं उनको क्या मैसेज है? उनको हम लोग यही ट्रांसप्लांट जो कराना चाहते हैं उनको हम लोग यही बताना चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट है जो वो सबसे बेस्ट मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है। डायलिसिस एक ब्रिज है, बट डायलिसिस एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती है, तो इसलिए किसी भी र्यूमर्स में ना होकर के ट्रांसप्लांट खराब हो जाता है, ऐसा हो जाता है, उन सब र्यूमर्स से बाहर निकलकर हमें कंसल्ट करें। हमारे डॉक्टर अविनाश हैं, डॉक्टर इमरान हैं, डॉक्टर राधिका है, मैं हूँ, किसी से भी हमें कंसल्ट करें और अपना इलाज अच्छे से करवाएँ। एंड कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट वाइज भी देखें तो ट्रांसप्लांट इज़ ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू, अगर आप होल लाइफ स्पैन के दौरान डायलिसिस पर आने वाला खर्च, उसके आने वाली प्रॉब्लम्स में देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। तो सर मेरे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको अपनी अवेयरनेस के लिए हमारे पास आना चाहिए, ताकि उनके जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हों और इस चीज़ की अवेयरनेस थ्रू मीडिया भी बढ़े और थ्रू हमारे चैनल्स के थ्रू भी बढ़ सके। लिबासा हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड, तो 1 मंथ बैक जो हमने ट्रांसप्लांट किया पहला सिटी में, बच्चे का नाम जशनप्रीत था, तो एक्चुअली वो हमें फॉलो कर रहा था ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से। तो उसकी जो बेसिक डिजीज़ है, हम बोलते हैं कि नेफ्रोलॉजी में बोलते हैं IGA नेफ्रोपैथी, ग्लोमेरुलर डिजीज़ है, एक कॉमन कॉज है, कॉमनेस्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जिससे कि किडनीज़ ख़राब होती है। तो ऑलमोस्ट हमने पहले हमारा इरादा था कि उसको हम ट्रांसप्लांट करें बिफोर कि वो डायलिसिस रीच करे, उसको हम प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट बोलते हैं, लेकिन उनकी कुछ थोड़ी सी घरेलू इश्यूज़ थे तो डोनर नहीं हो रहा था, तो फाइनली वो डायलिसिस पे आ गया। ऑलमोस्ट वो 3-4 महीने 5 महीने डायलिसिस पे रहा, तो उसके बाद ट्रांसप्लांट हुआ। जो डोनर थी वो उनकी मदर थी, तो ऐसे केसेस में सिंपल ही रहता है, और ब्लड ग्रुप भी सेम था और बाकी जो वर्कअप भी वो भी नॉर्मल था। तो उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन जो इन हाउस हुई उनकी, वो इम्यूनोलॉजिकल वर्कअप भी, बाकी जो फंक्शंस और जो इसके लिए होता है वर्कअप, और प्रॉपर परमिशन सॉर्ट करके तो उसका ट्रांसप्लांट हुआ पिछले महीने 18th of July।
तो बिल्कुल अनइवेंटफुल था, सब कुछ सही है, अभी भी बच्चा बिल्कुल ठीक है, क्रिएटिनिन अराउंड 1 है उसका एंड ही इज़ डूइंग वेरी नाइसली, देयर नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। तो फॉलो अप में आता है, तो कल लास्ट फॉलो अप था उनका, तो डॉक्टर पारस वो जो स्टंट होता है वो रिमूव किया है उसका, बिल्कुल अनइवेंटफुल है एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट। मैं डॉक्टर राधिका गर्ग, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ निवासा हॉस्पिटल अमृतसर में, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी टीम ने एक बहुत सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ इस शहर में किया है, और ये बात लोगों को बतानी ज़रूरी है कि अब उनके शहर में पंजाब में अवेलेबिलिटी है कि यहाँ पर आकर वो किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ ही ये भी ज़रूरी है कि लिविंग किडनी डोनर के साथ साथ हम कैडेवरिक डोनर जो कि ब्रेन डेड पेशेंट्स हैं उनका भी हम यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट तैयार करेंगे जिससे कि अगर हमारे पास कोई भी ब्रेन डेड पेशेंट्स रहते हैं उनके हम अंग रिट्रीव करके और लोगों को, जिससे कि 8 से 9 लोगों को मदद मिल सकती है, वो सब ट्रांसप्लांट्स यहाँ पे करेंगे। तो लोगों को अवेयर होना चाहिए कि आप आगे आइए, ट्रांसप्लांट से मत डरिए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए।